पुराने वार्डों में देखता हूँ जो नालियाँ बनी हुई है उसी नाली को मरम्मती कार्य करने के लिए कुछ फंडिंग आता है, बार बार मरम्मत होता है, रोड बन जाता है, फिर दोबारा नाला बनता है। सरकार के फंड का मिसयूज होते हुए मुझे बहुत दुख होता है। मैं चाहता हूँ कि पूरे शहर का एलिवेशन निकाला जाए और उसी तरह जो सड़क 2-3 बार में बनती है, बार बार बनती है, वो एक ही बार में बने, डिस्टेंस कम। जी हाँ दोस्तों, आपके सिवान शहर में पहली बार न्यूरोसर्जन जय न्यूरोसर्जन MBBS MS न्यूरो सर्जरी दिमाग रीड की हड्डी MS दर्द रोग विशेषज्ञ दिन प्रत्येक शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, बाकी दिन PGI लखनऊ में देखते हैं। नोट, पैरालाइज, चक्कर आना, ब्रेन हेमरेज, हाथ सुना होना, जलनात, नींद की कमी, घबराहट, बेचैनी, कमर दर्द, घुटने का दर्द, सर में दर्द, तलवा में जलन और नस से संबंधित सभी बीमारियों का संपूर्ण इलाज यहाँ पे होता है। तो आज ही संपर्क करें हॉस्पिटल रोड डॉक्टर आर किरण से 200 मीटर उत्तर शिव मंदिर बिंदुसार बुजुर्ग सिवान बिहार। जी हाँ, आपके सिवान शहर में पहली बार निरोगी आ चुके हैं डॉक्टर अनुराग झा। आज ही संपर्क करें, हर एक दिन में प्रत्येक शनिवार के दिन बैठते हैं और आप ऑनलाइन नंबर भी लगा सकते हैं, मोबाइल नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 9431875700। जी हाँ, आज ही संपर्क करें डॉक्टर अनुराग झा जी से। नमस्कार, प्राइम न्यूज इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। राज्य चुनाव आयोग के द्वारा नगर परिषद और नगर पंचायत देख रहे हैं कि जो भी चुनाव आयोग के तरफ से दिशा निर्देश संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिया जा रहा है, इसमें सभी पदाधिकारी काफी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और ऐसे उम्मीद जग चुकी है कि अब नगर परिषद का चुनाव बहुत करीब है, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी यह जो है डिसीजन ले लिया है कि चुनाव को सही ढंग से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना है। तो जैसे जैसे विभागीय कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो उम्मीदवार हैं उनके तरफ से भी भरपूर कोशिश हो रही है कि इस चुनाव को काफ़ी मजबूती से लड़ा जाए और अपने बात को जनता के अदालत तक सही से पहुंचाया जाए। तो इंजीनियर रमेश यादव जो लंबे समय से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, इसी क्रम में हम लोगों ने इनसे मिलने का काम किया ताकि इनका चुनावी अभियान किस गति से आगे बढ़ रहा है। और आप देख भी रहे हैं कि लगातार ये जनता के संपर्क में बने हुए हैं, बहुत सारा नया वार्ड का गठन हुआ है, वहाँ भी ये पहुँच रहे हैं और इनके जो चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, सभी लोगों के बीच पहुँच करके अपने बात को पहुँचा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इंजीनियर रमेश यादव से कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर के हम देख रहे हैं कि काफ़ी चहलकदमी पड़ गई है और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर के, तैयारी जो हो रही है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों और सिवान वासियों को मैं प्रणाम करता हूं और मैं बोलता हूं कि मैं चुनाव की रणभूमि में आ गया हूं। तो जब से मैं चुनावी दौरा कर रहा हूं तब से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये नहीं है कि चुनाव कब होगा, मैं चाहता हूँ कि जो भी चुनाव होने वाले हैं वो ससमय हो, कि किसी को परेशानी न हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा दौरा कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति हमसे दूरी न बन पाए। मैं हर व्यक्ति के पास जाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अपना क्षेत्र बड़ा है और मैं हर व्यक्ति से मिलके समाज के बारे में उनको अवगत करा रहा हूं और अच्छा कार्य करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो भी चुनाव हो वो पारदर्शी हो और देश हित में हो, समाज हित में हो। बिल्कुल, देखिए रमेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि चुनावी जो अभियान है उस अभियान को मैंने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। चुनाव जब भी हो, समय अगर होता है तो यह स्वागत जब कदम होगा और मुझे उम्मीद है कि समय चुनाव होगा भी, जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से काम हो रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चूंकि बहुत सारा नया वार्ड का गठन हुआ है और बहुत सारे नए वार्डों को समझना है, जानना है, लेकिन मैंने देखा है कि जैसे ही पहले घोषणा किया गया तब से आप वहाँ लगातार संपर्क में बने हुए हैं, तो जो नए वार्ड का गठन हुआ है वहाँ की स्थिति कैसी है, आप कभी जायजा ले रहे हैं वहाँ जाकर के? जो भी नए वार्ड गठित हुए हैं उन सभी वार्डों में मैं गया हूं और वहां पे जायजा लिया। बहुत सारी कमियां हैं नगर परिषद के कंपैरिजन में, वो पहले
ग्रामीण क्षेत्र था, अब शहरी क्षेत्र हुआ है, तो शहरी क्षेत्र के अनुसार वहाँ विकास भी हो, इस पे मेरा पहल रहेगा। मैं पूरा ब्लूप्रिंट्स तैयार कर रखा हूँ कि अपने शहर को किस तरह विकसित करना है, अपने संपदा, अपने सरकार की संपदा, अपने जनता की संपदा को कैसे हमको संरक्षण करना है। किसी भी वस्तु का या कोई भी फंड का मिसयूज नहीं करना है। जो भी वर्क होंगे पूरे नगर परिषद क्षेत्र में और नव निर्मित वार्डों में, वो प्री प्लांट करके किया जाए। वार्डों में देखता हूँ जो नालियाँ बनी हुई है, उसी नाली को मरम्मती कार्य करने के लिए कुछ फंडिंग आता है, बार बार मरम्मत होता है, रोड बन जाता है, फिर दोबारा नाला बनता है। इस सब सरकार के फंड का मिसयूज होते हुए मुझे बहुत दुख होता है। मैं चाहता हूँ कि पूरे शहर का एलिवेशन निकाला जाए और उसी तरह जो सड़क दो तीन बार में बनती है, बार बार बनती है, वो एक ही बार में बने। डिस्टेंस तो जगह जगह जल जमा होता है, गंदगियां फैल जाती हैं, आने जाने वाले लोगों को काफी परेशान होना पड़ता है। बहुत सारा ऐसा इलाका है नगर परिषद सिवान का जहां आज भी स्थिति जो है बदहाल है और बरसात के मौसम में स्थिति नाटकीय हो जाती है। तो ऐसे में लगता है कि अगर आपको मौका मिला तो ये बरसात में होने वाली जो समस्या है उस पर खास तौर पर आप ध्यान देंगे। अब ये बात आप लोग बोल रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही है। हमारे घर के सामने ही ये हमेशा स्थिति उत्पन्न होती है और बारिश के मौसम में जैसे बेंग पीले टाइप के आते हैं, टकराने लगते हैं, उसी प्रकार बारिश के मौसम में यहाँ पे सारे लोग टकराने लगते हैं कि मेरा मकान बारिश में डूब गया। लोग फ्यूचर को नहीं देखते हैं, मकान के लाइफ को नहीं देखते हैं, यहाँ केवल अपनी राजनीतिक लोग करते हैं। जो मकान चार चार महीने वानी में रहेगा उसका भूकंप प्रभावित क्षेत्र में लाइफ कितना होगा आप लोग स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। ये बारिश का जब मौसम आएगा चारों तरफ से अपना मतलब 50% हमको लगता है कि सिवान जलमग्न हो जाता है और वो जलमग्न हो जाता है तब अधिकारी लोगों को बेचैनी होती है और हमारे राजनीतिज्ञ लोगों को बेचैनी होती है। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम खत्म, थोड़ा सूखा हो जाता है, उस पर कोई मंथन नहीं, कोई बातचीत नहीं, फिर बरसात आएगा, फिर उसी तरह हाल है। तो मैं ये पहले से ही प्री डिटरमाइंड हूँ कि जैसे ही मैं सभापति बनता हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, मैं सीवरेज का प्लान कर रखा हूँ कि चारों तरफ सीवरेज से हर नाली को जोड़ा जाएगा, उसके डेप्थ उसके एलिवेशन के अनुसार ही सबको एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके, और जो दाह नदी है उस नदी में उसका पानी को शुद्धिकरण करके प्रभावित किया जाएगा। इस तरह से प्लान मैं अपने नगर परिषद की जनता को देके कुछ अच्छा करना चाहता हूँ और आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आशीर्वाद बनाएं और दूसरे को भी आशीर्वाद के लिए प्रेरित करें। बरसात के मौसम में जो स्थिति काफ़ी नारकीय हो जाती है, लोगों की जिंदगी परेशानियों में गुजरने लगती है, इन सब समस्याओं को अस्थाई समाधान कराने का हमारा पहले से लक्ष्य है और मैं पूर्ण रूप से इस कार्य को लेकर के प्री डिटरमाइंड हूँ, यानी पहले से संकल्पित हूँ कि मुझे हर हाल में ये जो स्थिति बरसात के मौसम में उत्पन्न हो रही है इसको दूर किया जाए। और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो को भी बताया कि मेरे पास जो मैनिफेस्टो है उसमें मुख्य रूप से यह काम प्राथमिकता के सूची में शामिल है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले उम्मीदवार हैं सिवान नगर परिषद से चेयरमैन के, जिन्होंने बरसात के मौसम में होने वाली परेशानियों, दुश्वारियों और जनता की समस्याओं के बारे में इन्होंने सोचा है और इसके लिए बजाबते इन्होंने अपना प्लानिंग भी तैयार किया है कि मुझे किस प्रकार से इस काम को करना है। चूंकि बरसात का समय बिल्कुल करीब है और बरसात का मौसम में यह स्थिति उत्पन्न होगी या निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, इसके लिए जरूरत इस बात की है कि भविष्य को देखते हुए और समस्या को दूर करने के लिए ऐसे प्रत्याशी जो अपना चुनाव में मैनिफेस्टो लेकर के आए हैं उसको हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आप देखें। चलिए, तो अपील क्या करेंगे चुनाव करीब है? मैं सभी नगरवासियों से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ
कि मैं तो समाज के लिए समर्पित हूँ, आप लोग भी अपने समर्पण के साथ समाज को नई राह दिखाने के लिए अच्छे उम्मीदवार का चयन करें। अपना शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रमेश कुमार हुआ।